अस्सलाम वालेकुम, राधा की किचन में आप सबका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करते आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज राबिया के किचन में बनने जा रहा है चिकन 65। तो ये बहुत पुरानी रेसिपी है, लेकिन मेरे चैनल पे दली भी नहीं है, इसलिए मैंने सोची चलो मैं बना के आप लोग को बताती हूँ। रमजान का महीना भी चल रहा है, इसमें इफ्तार में भी अच्छा लगता है, ये स्टार्टर्स के हिसाब से भी खाया जाता और सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं हमारे घर के तरीके से बनाऊंगी, तो आप बनाते किस तरह आपको बताती। तो ये आधा किलो चिकन बोनलेस चिकन ली हूँ मैं, बेस पीस का। आप लोग भी यही चिकन लेना, तो इसको चौपन चौपन पीस, छोटे छोटे पीस काट लेंगे। तो इस तरह से आप लोग ऐसा छोटे छोटे पीस बना लो। अगर थोड़े बड़े तो नहीं चाहिए, छोटे ही चाहिए, छोटे ही अच्छे लगते हैं। बाकी ये बनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही करारे बन के तैयार होते हैं। तो थोड़ा मैरिनेशन करके आप लोग रखना इसको। तो ये सबसे पहले हम लोग डालेंगे ये बाउल में चिकन, ऐसे कि उसमें आप लोग काट लो। तो इसमें डालेंगे नमक, अपने हिसाब से डालना आप लोग, मैं एक चम्मच डाली हूँ। और ये इसमें जाएगा दही 2 से 3 चम्मच, और ये जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये सिर्फ कलर के लिए है, ये 2 चम्मच भर के मैं डालूंगी। अगर आपको इससे कलर और चाहिए तो आप लोग कलर फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड कलर। और ये थोड़ी सी 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, और ये डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और ये 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे एक चुटकी भर के हींग, और ये कड़ी लिप्स है इसको बारीक बारीक चॉप करके ये भी डाल दूंगी मैं इसमें, इसका भी अलग एक टेस्ट आता है। और थोड़ी सी कोथमीर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा कोथमीर भी डाल रही हूँ। और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये इसको रखेंगे हम लोग मसाला लगा के कम से कम 1 घंटा, जब तक ये चिकन टेंडर होता है, जब तक मैं थोड़ा से दूसरा काम करके बताती हूँ आप लोग को। और ये लहसुन को थोड़ा दरदरा या बारीक चॉप कर लेंगे, इसका लास्ट में हम लोग देंगे इसको तड़का। लहसुन का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता माशाल्लाह इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग ने इसमें मैरिनेशन में डाले है। हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप किया हुआ, लहसुन, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का मैं तड़का दूंगी। अगर आपको इसमें सॉस वगैरह डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्रिस्पी रहेगा इसलिए फिर मैं सिर्फ इसी का तड़का दूंगी। ये होने के बाद मैं आपको फ्राई करके बता दूंगी। चिकन मिर्ची को भी ऐसा चीरा लगा लेंगे, 1 में 2 करने से थोड़ा अच्छा लगता, अगर बड़ी बड़ी है तो आप लोग 1 में 2 कर लेना ऐसा। और ये हो गया हमारा 1 घंटा रख के चिकन को। तो ये पहले हम लोग तेल डाल देंगे गरम करने के लिए, जब तक हमारा ये तेल गरम हो रहा तो हम लोग दूसरा मैरिनेशन करेंगे। इसमें ये है चावल का आटा, 2 चम्मच डाल देंगे भर के, इससे क्रिस्पी एकदम करारे बनेंगे। और ये कॉर्नफ्लोर है 1 चम्मच बस। अगर आप लोग को इसमें अंडा डालना है तो अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं डाल रही हूँ, बस इससे एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे हमारे 65 चिकन। ये जो दही है हमारा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें ये सब अच्छे से कोटिंग कर लिया है। और तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम पर करना, ठीक है? अभी हमारा तेल गर्म हुआ है नहीं, थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो रहा है, देखो ये निकल रहे हल्के हल्के बबल्स। तो ये थोड़ा हमारा तेल गर्म हो गया, तो अब हम लोग इसमें डालेंगे चिकन। इसमें बस ये स्टेज पे आप लोग तेल में चिकन डालना, ताकि हमारे कोई चिकन जले नहीं। जितने चिकन आ सकते आप लोग उतने चिकन इसमें डाल देना, क्योंकि छिटकेंगे नहीं ये, तो एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो गए माशाल्लाह। तो ये हमारे एकदम क्रिस्पी करारे बन के तैयार हो गए माशाल्लाह। और ये पूरा मसाला है कोटिंग का, तो इसमें थोड़ा हल्का से पानी डाल के हम लोग मिला लेंगे, क्योंकि मसाला हमारा वेस्ट नहीं होएगा। और अब एक पैन रखेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 से 2 चम्मच ज़्यादा नहीं। और ये डालेंगे इसमें लहसुन क्रश किया हुआ, बारीक बारीक चॉप करके रखी थी मैंने, अगर आपको क्रश करके डालना है तो वैसा भी डाल सकते। और ये है कड़ी लिप्स, ज़्यादा लहसुन को जलाएंगे नहीं। और ये 4 से 5 हरी मिर्च, और ये थोड़ा से चिल्ली सॉस डाल देंगे, तो भी डाल देंगे। एक सॉस बन के तैयार हुआ हमारा, और ये थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें मिर्ची की और कड़ी मिर्च की, लहसुन की, जो इसका तड़का है यही बहुत अच्छा लगता है इसमें।
इससे और ज़्यादा टेस्ट आता। तो ये अब हम डाल देंगे पूरा चिकन, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ मसाला ये, आप लोग भी ज़रूर ऐसा ट्राई करना बना के। और ये अब हम लोग गैस करेंगे बंद। अब मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। तड़के का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है क्योंकि इसमें लहसुन है, कड़ी लिप्स है, हरी मिर्च है, तो आप लोग भी इसी तरह तड़का देके बनाना। तो ये बहुत पुरानी डिश है लेकिन मेरे चैनल पे अपलोड नहीं थी, तो मैं बोली चलो आज रमज़ान के महीने में ये भी एक अच्छा सा स्टार्टर जैसा है तो बना के ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग, मैं बनाती हूँ घर में लेकिन मेरे चैनल पर नहीं था इसलिए मैंने बनाई हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करना मेरे तरीके से और बना के खा के मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना। और ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मैं इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।